नमस्कार, स्वागत है आपका उड़ीसा विजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। खबरों को देखने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। टेरर फंडिंग, हिजबुल आतंकी सलाहुद्दीन का बड़ा बेटा गिरफ्तार। मोदी का चौथा नेपाल दौरा, बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेंगे और पशुपतिनाथ मंदिर के धर्मशाला का भी उद्घाटन करेंगे। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव ने किया सरेंडर, जेल जाने के बाद तय होगा कहां चलेगा इलाज। एशियन गेम्स 2018, स्वप्ना बर्मन ने हेप्टाथलन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज श्रीनगर से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद शकील अहमद को उसके घर से गिरफ्तार किया। उससे बाकी पूछताछ दिल्ली लाकर की जाएगी। ये गिरफ्तारी आतंकी फंडी के मामले में की गई है। नरेंद्र मोदी आज नेपाल के दो दिन के दौरे पर रवाना हुए। वे काठमांडू के बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे। बिम्स्टेक की इस चौथी बैठक में बातचीत का एजेंडा सुरक्षा और आतंकवाद हो सकता है। आपसी संपर्क और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। बिम्स्टेक की बैठक के उत्तर मोदी बिम्स्टेक नेताओं से भी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 35A की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के विरोध में अलगाववादियों ने घाटी में आज दो दिन 30 और 31 अगस्त बंद का आह्वान किया है। इसका असर लोगों की जिंदगी और उनके कामकाज पर भी पड़ रहा है। कई लोगों ने 29 अगस्त से 2 सितंबर तक होने वाली शादी की दावतें टाल दी है। वे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों को अखबारों में विज्ञापन देकर इसकी जानकारी दे रहे हैं। लोगों ने शादी के रस्में सादगी से करने का फैसला किया है। अनुच्छेद 35A की वैधता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। चारा घोटाला में सजेयप्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज सीबीआई के कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। थोड़ी देर में उन्हें आज रांची की बिरसा मुंडा जेल में ले जाया गया है। जेल में कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद जेल के डॉक्टर्स उनका चेकअप करेंगे। डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट के बाद तय होगा कि उनका इलाज जेल के अंदर चलेगा या बाहर। अगर इलाज जेल के बाहर कराने की स्थिति बनती है तो रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को लालू यादव की प्रोविजनल बेल की अवधि 3 माह बढ़ाने की अपील को खारिज करते हुए 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। स्वप्ना बर्मन ने दांत के दर्द के बावजूद एशियाई खेलों में हेप्टाथलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। वह इन खेलों में सोने का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय है। 21 वर्षीय बर्मन ने दो दिन तक चली 7 स्पर्धाओं में 6026 अंकों के साथ सेना जीता। इस दौरान उन्होंने ऊंची कूद और भाला फेंक में पहला तथा गोल फेंक 707 अंक और लंबी कूद में 865 अंक में दूसरा स्थान हासिल किया था। भारत के अर्पिंदर सिंह ने 18वें एशियाई खेलों में 11वें दिन पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम हासिल किया। अर्पिंदर ने बुधवार को हुए फाइनल में 16.77 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ सोने का तमगा हासिल किया।
खबरों को समाप्त करने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। टेरर फंडिंग, हिजबुल आतंकी सलाहुद्दीन का बड़ा बेटा गिरफ्तार। मोदी का चौथा नेपाल दौरा, बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेंगे और पशुपतिनाथ मंदिर के धर्मशाला का भी उद्घाटन करेंगे। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव ने किया सरेंडर, जेल जाने के बाद तय होगा कहां चलेगा इलाज। एशियन गेम्स 2018, स्वप्ना बर्मन ने हेप्टाथलन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। समाचार को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।